नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। हम चर्चा कर रहे हैं अभी जैसे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला के तत्वों के बारे में, यानी कि एक पेंटिंग के तत्वों के बारे में। तो इसके छह तत्व है, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि चित्रकला के पेंटिंग के, एक आधुनिक समय में पेंटिंग के छः तत्व हैं, और इसके तो उनमें जैसे हम पाँच तत्वों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो उन पाँच में थे जैसे रेखा, रूप, वर्ण, तान और पोत, यानी कि लाइन, रूप, फॉर्म, रेखा, रूप, वर्ण, यानी कलर, फॉर्म, रेखा, रूप, वर्ण, तान और पोत, यानी टेक्सचर्स, पांच के बारे में हम अब तक चर्चा कर चुके। लास्ट यानी छठा इसका जो तत्व है वो है अंतराल यानी स्पेस। अब अंतराल और स्पेस के बारे में एक विद्वान है, पश्चिम के विद्वान एन नोबलर, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं द आर्टिस्ट हु वर्क्स इन टू डायमेंशनल बींग्स बाय मेकिंग ऑन ए फ्लैट सरफेस, दिस सरफेस इज हिज स्पेस, द वर्ल्ड इन विच ही कंस्ट्रक्ट्स द प्लास्टिक ऑर्डर ऑफ हिज आर्ट। यानी चित्र के तत्वों में अंतराल वह तत्व है जो रूप फॉर्म का आधार है। अंतराल के अभाव में संयोजन की कल्पना भी असंभव है, यानी कि बिना स्पेस। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसे स्थान तथा सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन व अभिलषितार्थ और चिंतामणि में स्थान निरूपण कहा गया है। अंतराल के लिए स्थान अंतरिक्ष, आकाश, शून्य आदि का भी प्रयोग किया जाता है। अब जैसे व्यापक अर्थ में अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपाकार एवं तत्वों को अपने में समाहित करता है, यानी कि अंतराल ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि जो एक स्पेस है, यानी स्पेस के चलते कि हम क्या चीज़ किस चीज़ पे हम अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं, क्या जैसे मान लो धरती पे बना रहे हैं, दीवार पे बना रहे हैं, कितनी साइज़ के बना रहे हैं, जो भी हमारी जो स्पेस है, तो उसके लिए जैसे कागज़ है, तो चित्रकार जब भी कोई चीज़ का निर्माण करता है या जो स्पेस, तो वो एक टू डायमेंशनल फॉर्म यानी वो एक स्पेस होती है, उसके अंदर जब वो जो निर्माण करता है तो एक थ्री डायमेंशनल का रूप उसमें आता है। तो चित्रों के तत्व में जैसे कहा गया है सबसे महत्वपूर्ण तत्व के तत्व में अंतराल वह तत्व जो रूप यानी फॉर्म का आधार है, यानी कोई भी फॉर्म से मतलब किसी भी ड्राइंग के लिए उसका जो आकृति के लिए उसका जो आधार है वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है स्पेस अंतराल। अंतराल के अभाव में संयोजन कल्पना भी मतलब कोई भी चित्र या पेंटिंग की कल्पना भी हम असंभव है। और प्राचीन भारतीय शास्त्रों में इसके महत्व पर जो प्रकाश डाला गया है तो उसमें क्या कहा गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसे एक स्थान के रूप में यानी जगह के रूप में और सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहा गया है, वह अभिलषितार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण कहा गया है। अंतराल के लिए स्थान अंतरिक्ष, आकाश, शून्य आदि का भी प्रयोग किया जाता है। और व्यापक अर्थ में अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपाकार एवं तत्वों को अपने में समाहित करता है। अब अंतराल की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ स्पेस, यानी कि चित्र के अंतर्गत द्विआयामी चित्र भूमि ही अंतराल कहलाती है। चित्र के अंतर्गत द्विआयामी टू डायमेंशनल भूमि ही चित्र का अंतराल कहलाती है, जिसका विभाजन व व्यवस्था ही अंतराल के अंतर्गत स्थान रखते हैं। चित्रकार इस क्षेत्र पर रूप का निर्माण करता है, कलाकृति का अंतराल से सीधा संबंध होता है, जिसका संबंध कलाकार की अनुभूति से है। चित्र बनाने से पहले वह चित्रकार अपने अंतराल का प्राथमिक विभाजन करता है और अपने संपूर्ण चित्र को उसी पर आधारित करता है, यानी कि उसका
क्या माध्यम स्केच उसकी स्पेस क्या है, उसको किस चीज़ पे वो बनाना है, जैसे कागज़ है, सीट है, कैनवास है, दीवार है, आर्टबोर्ड है, जो भी वो है तो उसकी क्या साइज़ है, उसको वो अपने चित्र या पेंटिंग के माध्यम से अपनी अनुभूति के अभी जो अपनी अनुभूति है उसके माध्यम से उसको उसके स्पेस के हिसाब से उसको वो उसको आधारित उसको अपने हिसाब से उसको करता है, सेट करता है, उसको विभाजन करता है। अब अंतराल का जैसे कि अंतराल का क्या स्वरूप है, अंतराल का स्वरूप सामान्यतः अंतराल दो रूपाकारों के मध्य के रिक्त स्थान का बोध कराता है, यानी सामान्यतः अंतराल दो रूपाकारों के मध्य के रिक्त स्थान का बोध कराता है, यानी कि जो दो रूप हैं, जिन्हें दो फॉर्म हैं, उन दो फॉर्म के मध्य का एक बोध कराता है। जैसे संगीत में स्वरों के मध्य का अवकाश, जैसे संगीत में जो स्वर हैं स्वरों के मध्य का अवकाश, बोलते समय शब्दों व वाक्यों के बीच का अवकाश या ठहराव स्वरों व शब्दों के समझने के लिए एक क्रम की स्थापना करता है। उसी प्रकार चित्र भूमि में अंतराल चित्रकार को रेखा, रूप व वर्ण आदि को प्रयुक्त करने का आधार प्रदान करता है। तो यहाँ पे ये जैसे अंतराल का स्वरूप के बारे में कि उसका स्वरूप क्या होता है, तो जैसे मान लो संगीत है तो संगीत के अंदर जो शब्द हैं, स्वर हैं, उनके लिए जो बीच का जो स्पेस आती है बीच बीच में बोलते हैं जब उसमें, तो वैसे ही हमारे चित्र के अंदर, पेंटिंग के अंदर, चित्रकार के अंदर जैसे जो उसकी रेखा है, रूप है, वर्ण है, जो भी मैं इससे पहले हमने चर्चा करी ना, तो उनका रेखा, रूप, वर्ण, टोन आदि जितने भी वो तत्व हैं उनका अंतराल ही रचना का एक आधार है, उनका आधार, उन सबको जो आधार प्रदान करता है, यानी कि जो स्पेस है, जो जगह, किसके ऊपर वो उन चीज़ों का यूज या प्रयोग कर रहा है, तो उनका जो आधार प्रदान करता है, अतः अंतराल ही रचना का आधार बेस है। कलाकार आवश्यकता अनुसार अपने अंतराल को बनाता है, मिटाता है, वह परिभाषित करता है, यानी कि उसकी क्या कृति है, उसके जो अभिव्यक्ति है, उसके जो पेंटिंग्स है, उसका जो चित्र है, वो किस साइज़ का है, किस आधार पे उसको वो करना है, किसके माध्यम पे उसको वो बनाना है। तो आवश्यकता अनुसार अपने अंतराल, अपना जो अंतराल है यानी स्पेस है, उसको वो बनाता है, मिटाता है और परिभाषित करता है, वह रूपांतरित करता है। क्योंकि अंतराल कलाकार की, कलाकृति की सभी संभावनाओं, पॉसिबिलिटीज़ के लिए खुला है। इसलिए अब जैसे अब आते हैं अंतराल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पेस। अंतराल को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, किया जा सकता है। पहला है सक्रिय अथवा प्रत्यक्ष अंतराल, यानी कि पॉजिटिव स्पेस। दूसरा है सहायक अथवा अप्रत्यक्ष अंतराल, यानी कि नेगेटिव स्पेस। अब चित्रभूमि पर जिस भूमि का मुख्य स्थान होता है वह प्रत्यक्ष अथवा सक्रिय अंतराल होता है, और अन्य गौण स्थान सहायक अथवा अप्रत्यक्ष अंतराल कहलाता है। यानी कि जो हमारी स्पेस है, स्पेस के लिए जैसे चाहे वो कागज़ है, वो सीट है, वो चाहे कैनवास है, वो चाहे दीवार का पोर्शन है, जो भी माध्यम है, जो भी चीज़ है, जहाँ पे भी हमारा जो स्पेस है, उस स्पेस के ऊपर उसका जो मुख्य स्थान होता है वह प्रत्यक्ष अथवा सक्रिय अंतराल होता है, और अन्य गुण उसके पीछे का, यानी कि जिस जगह ड्रॉ कर दिया, जो भी कोई फॉर्म उसने बना दी, वो जगह पॉजिटिव्स स्पेस कहलाती है। उसके जो बाकी का पोर्शन है वो अन्य सहायक या अप्रत्यक्ष अंतराल कहलाता, अर्थात वर्ण व रूपाकारों से मिलकर बनी चित्रभूमि मुख्य अंतराल है। यानी कि जैसे हमने बताया ना कि वर्ण यानी कलर, जो भी हमारे जो कलर है उनके द्वारा, वर्ण व रूपाकारों, कलर और फॉर्म के द्वारा, जो जिन रूपों से बनकर कोई भी चित्रभूमि पर जो हमने ड्रा किया, जो डाला, वो चीज़ मुख्य अंतराल है। वह इसके बाद जो बची हुई चीज़ उसके पास की, जो उसके पीछे की, उसके साइड की चीज़ें अंतराल है, वो शेष बचा खाली स्थान जो बीच बीच में आने अग्रभूमि अथवा पृष्ठभूमि काम आता है वह गौण अंतराल, यानी कि जो उसके पीछे का यानी नेगेटिव अंतराल कहलाता है।
तो इस प्रकार चित्र भूमि पर जिस भूमि का मुख्य स्थान होता है वह प्रत्यक्ष अथवा सक्रिय अंतराल होता है और अन्य गौण स्थान सहायक अथवा अप्रत्यक्ष अंतराल कहलाता है। अर्थात वर्ण व रूपाकार से मिलकर बनी चित्रभूमि मुख्य अंतराल है। इसके बाद शेष बचा खाली स्थान जो बीच बीच में या अग्रभूमि अथवा पृष्ठभूमि के रूप में काम आता है वह गौण अंतराल कहलाता है। किसी भी संयोजन में इस सहायक अंतराल का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संगीत के स्वरों के मध्य अवकाश यानी गैप का होता है। कला रचना में सक्रिय व सहायक तल का सुंदर सामंजस्य किसी भी कलाकृति को महान बनाने में सक्षम होता है। ये दोनों अंतराल जहाँ एक ओर दृष्टि को गति देते हैं वहीं दूसरी ओर संयोजन की एकता को खंडित होने से भी बचाते हैं। अतः ये दोनों ही अंतराल संयोजन यानी कि पेंटिंग या कंपोजिशन जो भी है जिसको एकेडमिक भाषा में संयोजन बोलते हैं और तो अंतराल या संयोजन जो पेंटिंग है उसकी सक्रियता को आधार प्रदान करते हैं। यानी कि जो अंतराल है इसका जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव है यानी जो पॉजिटिव मान लो वर्ण के द्वारा कोई फेंक के लगाया एक्सपेरिमेंट किया या फॉर्म के द्वारा मान लो कोई फॉर्म तुरंत क्रिएट की किसी माध्यम के द्वारा तो वो चीज़ जो वो जगह उसकी वो होती है पॉजिटिव स्पेस और उसके बाद में जिसके आसपास में उसके साइड में जो पीछे की जगह है वो है तो वो कहलाती है सहायक या नेगेटिव। अब यहाँ एक पेंटिंग या कंपोजिशन के अंदर इन दोनों ही स्पेस का महत्व होता है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सहायक जो है उसकी प्रत्यक्ष और सहायक जो स्पेस दोनों का ही महत्व बराबर होता है। अब है जैसे अगला है उसमें आगे अंतराल का विभाजन स्पेस डिवीज़न यानी कि हम जो हमारी स्पेस है उसका हम किस तरह से डिवीज़न किस तरह से उसको विभाजित कर सकते हैं किस तरह से उसको अलग अलग उसमें बांट सकते हैं इसके लिए हम आगे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।